नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। चलिए सुनते हैं एक कविता। स्त्रियां कुछ भी जाया नहीं जाने देती, स्त्रियां कुछ भी जाया नहीं जाने देती। वो सहेजती हैं, संभालती हैं, ढकती हैं, बांधती हैं, उम्मीद के आखिरी छोर तक, कभी तुरपाई करके, कभी टाका लगा करके, कभी धूप दिखा के, कभी हवा झला के, कभी छांट कर, कभी बीन कर, कभी तोड़ कर, कभी जोड़ कर। देखा होगा ना अपने ही घर में उन्हें खाली डब्बे जोड़ते हुए, बची थैलियां मोड़ते हुए, सवेरे की रोटी शाम को खाते हुए, बासी सब्जी में तड़का लगाते हुए, दीवारों की सीलन तस्वीरों से छुपाते हुए, बचे हुए से अपनी थाली सजाते हुए। फटे हुए कपड़े हों, टूटा हुआ बटन हो, फफूंदी लगा अचार हो, सीले हुए पापड़ हो, घुन लगी दाल हो, गला हुआ फल हो, मुरझाई हुई सब्जी हो, या फिर तकलीफ देता रिश्ता हो, वो सहेजती है, संभालती है, ढकती है, बांधती है, उम्मीद के आखिरी छोर तक। उम्मीद के आखिरी छोर तक स्त्रियां कुछ भी जाया नहीं जाने देती। इसे लिखा है पूजा व्रत गुप्ता जी ने। आशा है कि यह कविता आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इसी तरह की मनोरंजक कविताएं, कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।